कैसा है? अगर वो आ गया तो बात ही खत्म हो गई ना, नहीं है कुछ। तो नोम तोम वोकल कॉर्ड के यहां से ऊपर से जो शब्द आते हैं, ये मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ ये लोग जब गाते थे, ऋचा वैदिक जो उनके मंत्र थे, शाबरी मंत्र थे, उसके पहले वो जागर करते थे। और जागर जो है राम नम 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 नम, अब कोई पूछेंगे सर ये कौन से शब्द है, हमको लिख के दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। त थ द ध न भी है, इसको बोलो दिर धीर 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 धीर। अब गुरु के पास में आके क्यों सीखना पड़ता है, इसको कितना वजन देना है, इसके बाद में हमको एब्डोमिनल चेंजेस क्या करना है, इंटरनली क्या थिंक करना है, उसको कहां से देखना है, धीर धीर कहां से लग रही है, बीच में से लग रही है, पॉइंट से लगती है तो पॉइंट कहां पे चिटकता है, ये सब चीजें गुरु के साथ में बैठ के समक्ष करने से ही आती है, ना ऑनलाइन से आती है। ऑनलाइन से खाली उसकी नजरबंदी होती है, नजर में आ जाती है, नजरबंदी नहीं होती, गलत हो गया, नजर में आती है। मोगरे के फूल मैं दिखाऊंगा, उसका सुगंध लेने के लिए आपको धूप फूलों के पास में एक्चुअली जाना पड़ेगा, पर इतना तो है कि ऑनलाइन से हां ये फूल मोगरे का है, इतना कंफर्म बता सकते हैं। ये फूल गुलाब का है, ये कंफर्म हो सकता है, पर गुलाब की सुगंध कैसी है, इसके लिए आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा। और खुशी की बात है ना यार, यहां से मिलने, ये अंतराल, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मिलने के बजाय अच्छा है कि हम रूबरू मिले, बात चले, एक घंटे में क्या हुआ है, 10 घंटे बैठे कुछ करें, ठीक है। तो फिर से विषय पे आता हूं, नोम तोम इसका मतलब है ता था दा धा ना। जब लाइट म्यूजिक आप गाते हो तो उसके साथ में ये शब्द का प्रयोग पहले रियाज में करने से आपको शब्द की सुविधा होती है। अगर आप आकाश से गाते रहोगे तो गले में कुछ नहीं रहेगा, शब्द जब बोलोगे तब आपके गले को बैठने की आदत शुरू हो जाएगी। तो पहले से ही ऐसी आदत डालना है कि हम जो भी चीज करेंगे उसमें सहजता आ जाए। ये जो चीज है, मिलेंगे कुवर कान जहाँ बाटा जलत बोले पग बाबे जद कान को चलो रे। ये आवाज फेंक नहीं है। अब सौ सौ कुछ नहीं, जैसे आपको आवाज मिली है सा
आपको सहजता आनी चाहिए। आप क्लासिकल का टेंशन बद्र सर लेकर वो बैठे फिर आवाज़ लगा रहे, तो फिर नोम लगाओ यार, तोम लगाओ, ये शास्त्र सीरियसली सीखिए लेकिन गाना कैजुअली गाइए। शास्त्र सीरियसली सीखिए लेकिन गाना कैजुअली गाइए। तो नोम तोम का कोई टेंशन नहीं लेना है कि नोम तोम, ये जस्ट एक आपका संवाद, आपके शब्द की संवाद, वो जगह पक्की होनी चाहिए, इसलिए इजीनेस आने के लिए नोम तोम की रियाज करती है। उससे आवाज का लगाव अपर पैलेट से लगना शुरू हो जाता है। ताना ना ना दा ना 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 ना। सर गाते वक्त मुंह नहीं हिलाना चाहिए, आपका तो मुंह हिलता है, गाना दिखना थोड़ी है, गाना देख भी नहीं सकते आप, गाना सुनना है। बताओ मुझे गाना दिखा, मुझे ये गाना दिखा, दिखा तो क्या, आपको पिक्चर दिखा जिस पे गाना चित्रित किया है। गाना देख नहीं सकते, और जो देख नहीं सकते वो सुर होता है, और सुर ईश्वर होता है, मैंने बार बार बोला है। तो गाना सुनने की चीज है, देखने की चीज नहीं है। इसलिए मैं कैसा दिखता हूं, क्या करता हूं, ये देखने के बजाय, हां इतना बुरा मुंह बनाइए नहीं कि खुद को ही शर्म आ जाए। जितना रे दा दा ना, उसका आनंद लो ना, रे दा दा ता ना दे रे ना ता नोम। अब बोलेंगे आप क्या कि गुरु जी सारे गम के पलटे में सा सा हा प द नि सा ता ना 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 पद सा नी तना ना ना पनी द सा तना ना ना पनी सा द तना ना ना प सा द नी तता ना ना प सा नी द तता ना ना। अब मगर सा, अभी मैं इसको कोमल में और तीव्र में लिया। सर ये राग को सारेगा हमने लिया है तो दूसरे राग में भी यही ले सकते क्या, ये पूछना मूर्खता है। सारे गम जहां पे भी है वहां सारे गम लो, सागम अप जहां पे वहां सागम अप लो। फिर सारे गम सारे मा ग साग रे मा साग म रे साम रे ग साम ग रे, ये करो ताना ना ना 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 ताना ना ना। तो नोम तोम किसी भी चीज में, आप किसी को बोलना भी है कि कोई बात करना है, मजाक करना है, ता ना 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 ता ना 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 ता ना ना, राग के अंदर के सुर लेके मजाक करो, ता ना 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 ता इसको व्यक्त करो। जरूरी नहीं कि हर वक्त शब्द आना चाहिए। गाने में शब्द की कीमत तभी है जब प्रेजेंटेशन करोगे, लोगों को समझाओगे, जब रियाज करोगे। शब्द नहीं भी रहे तो नोम तोम के साथ कीजिए, आपको इजीनेस आ जाएगा। इसलिए नोम तोम करना जरूरी है कि वो हमारे गाने का जो एक अप्रोच का जो जगह है, पॉइंट है, जो पिरामिड का पॉइंट है, उसको पकड़ता है। इसलिए मित्रों आज के एपिसोड में इतना ही। आपको मैं बोलता हूँ, आप शिद्दत से बैठिए, प्रामाणिकता से बैठिए, साधना कीजिए, भक्ति कीजिए, अंतरात्मा को देखिए, और संगीत अंतरात्मा ईश्वर प्राप्ति का ही साधन है। तो क्यों हम हमारे पास बनने के बाद भी खोज रहे हैं इधर उधर। ओके, जय गुरुदेव।